तो अभी हम बाबा के द्वार यानी कि देवघर में मौजूद हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत तस्वीर है सीधे देवघर से। और यहाँ देख सकते हैं ध्वज बना रहा है और ध्वज बांधने के लिए ऊपर एक भक्त चढ़े हुए हैं काफी ऊपर। और ये ध्वज जो है इस वाले मंदिर में बंधाता है जो कि वहाँ भी एक भक्त चढ़े हुए हैं और काफी ऊपर है और वो बांध रहे हैं। जो भी भक्त जल चढ़ा रहे हैं वहाँ से सीधी तस्वीरें आपको कैमरे के माध्यम से और LED के माध्यम से देखने को मिल रहा है जो कि देख सकते हैं। और ये भक्तों का जन सैलाब है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब है। बारिश भी हो रहा है और इसी बारिश में आप देख सकते हैं कि भक्त लोग जो हैं बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं। चलिए आपको हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे यहीं से। इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हरा हरा महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाबा आपके मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ पे पर्ची हो रहा है, यहाँ पे पर्ची हो रहा है। वहाँ पे जो है प्रसाद चढ़ रहा है क्योंकि बाबा के मंदिर के अंदर प्रसाद नहीं जाता है तो प्रसाद यहीं से चढ़ता है क्योंकि देख सकते हैं वहाँ पे छाता लगा कर पंडित जी बैठे हुए हैं। और वहाँ जो है कि जल चढ़ रहा है उसकी सीधी तस्वीरें आपको लाइव के माध्यम से देखने को मिल रहा है मंदिर परिसर में। चलिए आपको पूरा देवघर का नज़ारा दिखाएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, आपकी मनोकामना पूरा होगा। मौसम का हाल काफ़ी बिगड़ा हुआ है और मौसम काफ़ी तेज में अभी बारिश छूटा हुआ है, फिर लग रहा है कि अभी बारिश आएगा। यहाँ पे पंडित जी लोग हैं। चलिए तो बारिश आ गया अब तेज में। यहाँ देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्वज जो है बना रहा है और ये ध्वज बनाना है। उनका जो भी मनोकामनाएं होता है पूरा होने के बाद में यहाँ पे वो ध्वज बनवाते हैं। तो देख सकते हैं एक भाई ध्वज वहाँ पे लेके जा रहे हैं, एक बम वहाँ पे ध्वज लेके जा रहे हैं और उस मंदिर के उस यानी कि सबसे ऊपर हिस्से में बनाएगा क्या। यहाँ पे पंडित जी हैं जो कि सेवा में लगे हुए हैं और देख सकते हैं पंडित जी अभी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे इन लोग का दिन भर का ड्यूटी है ध्वज बांधना, एक आदमी नीचे एक आदमी ऊपर, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो चाहे धूप हो उनका काम है वहाँ पर रहना, सिर्फ खाने के लिए आते हैं। ये रहा श्री श्री 108 श्री गणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर है। चलिए आपको पूरा मंदिर का हम भ्रमण करा देते हैं। ये काम था हटा दो। भोले बाबा हो रखी हो सलामत, वहाँ भी एक LED दिख रहा है आपको, उस LED में भी लाइव तस्वीरें दिखाई दे रहा होगा। Thank you.
यहाँ पे जो भी गलतियाँ होती है माफ़ी मांगा जाता है कि बाबा ऐसा गलती फिर नहीं होगा और जो भी गलती हमने किया है उसको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अगर आप भी गलती किए होंगे तो सीधी आप कमेंट के माध्यम से बाबा से मांग सकते हैं माफ़ी। ये देख सकते हैं हम लोग जो हैं माफ़ी मांग लिए, माफ़ी मांग के जल्दी चढ़ गया। अब ये लोग जा रहे हैं घर, प्रसाद लेंगे अब घर जाएंगे या फिर जाना होगा कहीं कहीं घूमने तो जाएंगे घूमने। यहाँ पे घूमने के लिए जगह की कमी नहीं है। यहाँ न सोमवार देखा जाता है, न मंगलवार देखा जाता है, न गुरुवार देखा जाता है, न कुछ भी देखा जाता है। यहाँ पे जब से सावन चढ़ा हुआ है सिर्फ यही देखा जा रहा है। लाखों लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे कितने लोग हैं, वहाँ पे कितने पंडित जी लोग हैं, बैठने पड़ेगा, ध्वज बांध रहे हैं। यहाँ पे एक बम का हालत खराब हो गया है, देख सकते हैं। जय बाबा, जय बाबा। वहाँ पे पार्वती मंदिर में अगर आपको सीधे जाना है तो ऊपर से जाना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं वहाँ। देखिए कितना तेज में बारिश हो रहा है और इसी बारिश में जो है आपको समझ में आ रहा है कितना तेज में बारिश हो रहा है, और इसी बारिश में बम लोग जो है तस्वीर खिंचवा रहे हैं।